दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार का वो मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में है। और ये मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। इसका कारण है ये मंदिर साल के 365 दिन चाहे यहाँ जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन यहाँ की दिनचर्या में कोई भी कमी नहीं आती है। इस समय अगर बात की जाए, आज नववर्ष है, यहाँ का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री के बीच में है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रातः 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है और 5:30 बजे से यज्ञ आरंभ होता है। और यहाँ यज्ञ करने के बाद श्रद्धालु 7 बजे तक अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं वो मंदिर जो कि एक अनूठा मंदिर है। भीषण ठंड का वो आलम जहाँ क्या जानवर क्या इंसान, इस भीषण ठंड से सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ठंड का आलम ये है कि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी ठंड से बचाने की नौबत आ चुकी है। मंदिर के चारों ओर का दृश्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी कोहरा छाया हुआ है और चारों तरफ कोहरे की एक परत जमी हुई है जो कि धुआं धुआं सी नज़र आ रही है। इस वक्त प्रातः के 4 बजे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये मंदिर परिसर का मार्ग है और यहाँ पे जो है कुछ स्कूली बच्चे जो हैं ये जा रहे हुए हैं गायत्री शक्तिपीठ पे हवन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त खड़े हुए हैं मंदिर परिसर मार्ग में, हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं दुकानदारों से कि इस जो गायत्री शक्तिपीठ खमरिया है यहाँ पे क्या क्या संचालन होता है, कैसी गतिविधियाँ चलती हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे दुकानदार जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बताएंगे ये जो मंदिर गायत्री शक्तिपीठ है इसमें क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं? ये सुबह 4 बजे से यहाँ लोग आने लगते हैं, 7-7.30 बजे तक हवन चलता है और इसके बाद और क्या क्या होता है? इसके बाद जो है शाम को 4:15 बजे से फिर दीपे की चालू होता है, फिर 9 बजे रिकॉर्ड लगता है, उसके बाद फिर सुबह 3:50 पे फिर होता है। ये प्रातःकालीन गायत्री शक्तिपीठ मंदिर का दृश्य है। इस वक्त 6:30 बजे हैं और इस समय यहाँ पे गायत्री मंत्रों की आहुतियाँ शुरू होने जा रही हैं। मंदिर की तरफ चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, धुंध जैसी छाई हुई है और ये धुंध धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदल करके मंदिर के परिक्रमा मार्ग में जम गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ तेज मूसलधार बारिश हुई है। ये गायत्री शक्तिपीठ का मंच है, यहाँ से यज्ञ के दिव्य मंत्रों का और यज्ञ का संचालन होता है। नववर्ष के प्रथम दिन का यज्ञशाला का दृश्य है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यज्ञशाला परिसर में भक्तगण हवन करने के लिए बैठे हुए हैं। ये मंदिर के अंदर का गर्भगृह दृश्य है। ये वेद माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। खड़े हुए हैं मंदिर परिसर में और आ चुकी नववर्ष है। नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ के श्रद्धालुओं द्वारा, यहाँ के भक्तों द्वारा मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से भगवान श्री महाकालेश्वर जी उज्जैन का एक ये प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, इसको जो है गेंदे के फूलों से बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो ये एक शिवलिंग आकार के मंदिर है और मंदिर के अंदर कुछ प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। ये मंदिर के अंदर जो हमारे पंचमुखी पवन पुत्र हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, यहाँ पर प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं और मंगलवार को यहाँ पर प्रसाद चढ़ता है। इसके अलावा यहाँ एक अखंड दीपक है जिसमें जो 24 सालों से ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। इसके अलावा ये आदि शक्ति माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। नवरात्रों में यहाँ पर इन प्रतिमाओं का विशेष पूजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक एवं
परम वंदनीय माता जी की यहाँ पर जो है प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा स्थापित है। यहाँ पर गायत्री परिवार के लोग आते हैं और अपने परम पूज्य गुरुदेव और माता जी को यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर प्रणाम करके अपने जीवन की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित नंदी बाबा हैं, इनको प्रणाम करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। भीषण ठंड होने के बावजूद भी यहाँ मंदिर परिसर में श्रद्धालु आकर जप करते हैं। ये मंदिर परिसर का स्वचलित ऑटोमेटिक जिसको कहा जाए ये वाद्य यंत्र है जो कि मंदिर में आरती के दौरान बजाया जाता है। मंदिर परिसर में ये प्रसाद का दृश्य है जो यहाँ पर भक्तगण श्रद्धालु नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसाद लाए हुए हैं और इनका प्रसाद यहाँ पे वितरण करने के लिए रखा हुआ है और अभी श्रद्धालु हवन करके निकलेंगे और प्रसाद लेते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। इस मंदिर की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है क्योंकि यहाँ पर चाहे किसी का जन्मदिन हो या विवाह हो, अन्नप्राशन हो, मुंडन हो, ऐसे संस्कार यहाँ पर यज्ञशाला में संपन्न कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ अगर आसपास में कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की सद्गति के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन किया जाता है। उसकी आत्मा सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। जप यज्ञ दान करने के बाद यहाँ पर लोग पेड़ पौधों को जल अर्घ समर्पित करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर एक भगवान महादेव की प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, इसको यहाँ पर लोग अर्घ दे करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये मंदिर परिसर का आने जाने का रास्ता है, मुख्य द्वार है। यहाँ से श्रद्धालु पूजा पाठ करके अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही शक्तिपीठें, ऐसे ही मंदिर अगर हमारे देश के कोने में हों, हर ज़िले में हों, तो हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण ज़रूर होगा।